में दूसरे जानवर को ढूंढते हुए। सही में घर में ढूंढते परेशान हो गए यहाँ ढूंढते। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अंजलि आप सभी का बहुत दिनों बाद अपने नए व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज हमें बाहर जाना था घूमने, तो मैंने सोचा लंच घर से ही बना के ले जाऊँ, क्योंकि बाहर तो कुछ भी हेल्दी ऑप्शन नहीं रहता है यहाँ पे। तो मैंने फटाफट बीन्स की सब्ज़ी बनाई, और आज मैंने डाइट में बीन्स की सब्ज़ी ही रखनी थी। और ब्रेकफास्ट में मैंने कर्ड सैंडविच खाया था, तो ये बीन्स की सब्ज़ी नॉर्मल आलू और बीन्स कट किया, तीन चार हरी मिर्च डाला, और नॉर्मल जो बेसिक मसाले होते हैं नमक हल्दी और जीरा पाउडर ये सब डाल के मैंने अच्छे से इसे भून लिया। अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसे कवर कर दिया था 5-7 मिनट के लिए। फिर मैंने इसे एक बार और अच्छे से भुना, फिर मैंने 5 मिनट्स के लिए भून लिया, फिर ये बन चुका था। उसके बाद मेरा जो सौंफ वाटर होता है वो मैंने बनाया, और मैंने अपना सौंफ वाटर इन्जॉय किया। उसके बाद टाइम आ गया जो मैंने बनाया था लंच उसको पैक करने का। मैंने थोड़े से अप्पे बना लिए थे सात्विक के लिए, क्योंकि सात्विक तो थोड़े स्पाइसी होता है ना, तो अवॉइड करते हैं उसे देना, तो इसलिए अप्पे बना लिया। थोड़ा ब्रोकली बॉयल कर लिया था मैंने, ब्रोकली खा लेता है वो नॉर्मल ना, नॉर्मल सब ब्रोकली होना चाहिए, कोई मसाला नहीं होना चाहिए, तो वो खा लेता है। फिर मैंने बीन्स की सब्ज़ी डाली टिफ़िन बॉक्स में, और उसके बाद मैंने थोड़े से रोटी बनाए थे 4-5 के करीब, वो रोटी डाल दिया, और डाल के मैंने इसे अच्छे से पैक कर दिया। ये बॉक्स एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कहीं तो गलती कर रही हूँ मैं, ये गलती कर रही थी। फिर मैंने इसको ठीक कर दिया तुरंत, और ये अच्छे से पैक हो गया। सो गाइस, हम फाइनली घर से निकल चुके थे ज़ू के लिए, और सच में यहाँ पे जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ इतना स्पेशल ट्रीट होता है ना, अलग से सीट होती है उनके लिए, तो हम अपने सीट पे बैठ के ज़ू जाने की तैयारी कर चुके हैं। सो फाइनली हम ज़ू पहुँच गए, बस थोड़ा टाइम है वहाँ तक। चलो डायरेक्शन दिख रही है, इस तरफ है, मैं आपको दिखाती हूँ डायरेक्शन। आपको दिख रहा है ज़ू? आज सात्विक बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हैं। सात्विक, आर यू हैप्पी? कहाँ जा रहे हो? ज़ू जा रही है। डायनासोर। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यार, मस्त घूम रहा है। क्लाउड कितना कितना अच्छा लग रहा है। क्लाउड, चलो 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 जल्दी जल्दी। ये तो मुझे चलने के हिसाब से दिल्ली के जैसा लग रहा है, लेकिन वैसा होगा नहीं, मैं पूरी उम्मीद नहीं है। अभी एंट्री गेट पर बहुत समय लगेगा। अच्छा, देखते हैं यहाँ पे किस तरह से जानवरों को रखा जाता है। हमारे यहाँ तो खुले में रहते हैं। हाँ, बड़ा जेल टाइप का होता है उनका, उसमें बंद होते बेचारे। वैसा लगता है मुझे कुपोषण के शिकार हो गए वो उसमें रह रहे के। मैसूर में नहीं देखा था कितना अच्छा रखा? मैसूर वाला बहुत ही अच्छा था, वो इतने खुले खुले में रख रखा था ना उन्होंने, वो जिन्होंने साउथ इंडियन एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, उन्होंने गोद लिया हुआ था, तो उनके भी नाम लिखे हुए थे वहाँ पे। बहुत ही अच्छा था वो। फैमिलीज भी आ रही है घूम घूम के। ऑकलैंड ज़ू 1922 to 2022, 100 ईयर हो गए। कितना सुंदर है यार, कितना सुंदर, इतने लोग आए हैं यहाँ पे। यार मुझे लगा आज कम होगा रश। चलो कोई नहीं भाई। अरे जानवर को नहीं ले जाएंगे। कल मम्मी बोल रहे थे ना कि सात्विक जानवर को ना ले आए वहाँ से। मौसम लग रहा है साथ नहीं देगा हमारा। टिकट काउंटर। टिकट्स हमारे हाथ में हैं। ये सारे दोस्त हैं सात्विक के यहाँ पे, बस हमें डर है कि हम ठीक तरीके से घर पहुंच जाए, सात्विक एक आध उठा ना ले, बस इस चीज का डर है मुझे। एंट्री। मैं दूं या आप दो? ये लो। तो पहले हम क्या देखने जा रहे हैं?
आप बताओ जो पास पास से ना वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एलिफेंट फोटो वोटो खिंचवाना है, एलिफेंट देखने इस साइड एलिफेंट है। हाँ ये ना, ठीक है तो हम साध्वी को पहले हम दिखाएंगे एलिफेंट, एलिफेंट भी देख लेंगे, छिपकली भी देख लेंगे। आज हम जू में आए हैं छिपकली देखने, गिड़गिट गिड़गिट देखने। भाई बेबी यहीं कहीं तो लटकी तो नहीं होगी ना। What is this? Zebra. मैं यही सोचती हूँ कि इंडियन के बच्चे ही ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सबके बच्चे ही ऐसे होते हैं। घुमाने लेके आओ लेकिन इन्हें रोना तो है ही। कोई ना, यहाँ पे क्या है? ओहो, what is this? Ostrich. Ostrich. अभी यार उड़ते हो, लोग उड़ते नहीं चाहते। Ostrich. हाथी, चाचू. Who is he? Yes, चाचू. आज सात्विक काफी दिनों बाद अपने चाचू से मिले। आज इनसे ही मिलेगा ये। चलो 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 डरता तो ही ना हूँ मैं किसी से। हाँ कहाँ जा रहे हो बेटा? वेट 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 वेट, यहाँ से दिखाती तुम्हें कुछ। हमारा भी मन कर रहा है कि वहाँ बैठने का। व्हाट इज दिस? बाय बाय कर दिया साथी में तो। चलो पैरेट, टाटा बाय बाय। व्हाट इज दिस साथी? कुछ एनिमल? राइनो। आजा पानी पीने। इन दोनों की पर्सनल कैमरा मैन हूँ। यहाँ पे सिंपल सीधा रूल है नील कि आप कहीं भी जाओ स्विमिंग सूट लेके जाओ, जहाँ पानी देखो वहाँ कूद जाओ। हाँ हाँ उसे वहीं जाना है, एलिफेंट के पास जाना है। तुम खुद खुद की साइज देखा है तुमने? हाँ नहीं जाना वहाँ पे, नहीं बिल्कुल नहीं। चलो घर, अभी दूसरे जानवर से भी मिलवाते हैं तुम्हें। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ के आ जाओ। नो नो नो, क्या छोड़ के आ जाओ इसको? नो नो नो, मामा मामा
मैं भी सोच रही हूँ मैं बैठ जाऊँ, बैठ जाऊँ इस पे। नहीं नहीं नहीं, बेबी एलिफेंट है यार। मेरा मन कर रहा है इस बेबी एलिफेंट पे बैठ जाने, इतने सारे बच्चे बैठे हुए थे, मैं अकेली तो बैठूंगी। बच्चे हो कितने मोटे मोटे थे देखा आपने, तो इंसानियत दिखा दे बेबी एलिफेंट पे। यार ये सही तो है। कौन सी मंकी? बबून। सात्विक चाचू हैं सारे। जय करो जय। यस यस बेटा, चाचू हैं सारे। कहाँ बैठा है? चलो बंदर, क्या ही देखोगे तुम, दिल्ली जाना फिर बंदर देख लेना। चलो हाइडर से पूरा घूम के फिर वापस इधर जाएंगे। चलो चलो चलो। वीराने में बैठने के लिए पैदा हुआ। चलो बेटा। हाँ चलो। वो वीराने में नहीं बैठा है, वो उसको शांति चाहिए। मतलब इतना कुछ खास नहीं है, मजा नहीं आता। बस यहाँ पे कुछ नया क्या ही देखा है हमने, कुछ भी नया नहीं है। बस वो देखा है, क्या था वो, फ्लेमिंगो वो देखा है बस। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच तो वहाँ पे भी था। कीवी देखते हैं, कीवी देखते हैं, कीवी यहाँ पे कैसे रखते हैं उनको। इनका वो है ना, क्या बोलते हैं, नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय पक्षी। इतना खास नहीं है जो मैं आपको अभी दिखाऊं। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा कुछ आ रहा है जो अच्छा लग रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। पता नहीं अनिल कौन सी गुफा में मेरे को लेके जा रहे हैं। दिखाती हूँ आपको, जाना है क्या वहाँ? मोर कहाँ से आवाज शुरू कर रहा है आपके गोदी में? जितना मैं घूम नहीं पाई ना उतना मैंने अपना सन टैन करवा लिया है। धूप इतनी है आज के दिन, इतनी धूप होनी थी क्या? यार यार क्या यार, घूमने आओ तो 10 चीजें लेके आओ, वो चीज अच्छी नहीं लगती मेरे को बिल्कुल। सात्विक आज देखेगा कीवी। सात्विक उसे खाना नहीं है, खाने वाला कीवी नहीं है वो। यस वो खाने वाला कीवी नहीं है, वो एक बर्ड है। अब हम सोच रहे थोड़ा लंच कर लिया जाए क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए। कुछ इतना खास मिला नहीं हमें। कुछ आपको लगा खास है? खास नहीं, तो हम लंच करते हैं जो हमने हेल्दी सा कुछ घर का खाना पैक किया था। वही चॉकलेट, यम्मी यम्मी। ये सबसे पहले मम्मा को देते हैं फिर खुद खाते हैं। कैसा कैसा फील हो रहा है आपको? ऐसा लग रहा है गांव में होता ना, बगीचे में कहीं शेड में बैठे हुए पौधे के बीच में खाना खाएंगे। खाना अपना पैक करके लाए हैं। इधर ना पीछे बैग, वैसा ही फील आ रहा है। हमारे यहाँ इसको मतलब जो घर मतलब बगीचे मतलब उसे बोलते हैं मचान। हम जू देखने थोड़ी ना आए, हम पिकनिक मन्नत मनाने आए। थक गए चलते चलते, अब क्या? चलो खाओ, स्टार्ट करो। ब्रोकली सात्विक के लिए है, ये सब हमारे लिए है। यम्मी। हाँ दे रहा दे रहा दे रहा। बेटू मिर्च है यार, चॉकलेट के साथ बीन्स की सब्जी कौन खाते हैं? टेस्टी बना बहुत है। मैनर्स। हाँ यम्मी। जय
ध्यान से देखते हैं आप भरी जंगल में हम किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरह से हम मुश्किल से घर का खाना खा पा रहे हैं। तुम जूते उतारो और लगा दो। कितनी कम वैरायटी, चार तरह का खाना है मेरे पास सिर्फ। बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सिर्फ चार तरह से खाने लाए हैं, कुछ स्नैक्स लेके आए हैं, थोड़ा पानी है, थोड़ा पानी है बस, और एक जानवर हमारे साथ भी है। सिट डाउन, सिट डाउन एनिमल। एनिमल ने अपना टुकड़ा छोड़ दिया। क्या बोलते हैं आपका डर? एक बार से गलती से नीचे उतार दिया ना खेलने के लिए, हाँ तो भाग गया गाड़ी वापस ही नहीं आया। वो मौके का इंतजार कर रहा है कि किसी तरीके से मैं इधर जंप कर जाऊं। फिर तो देखो मैं हाथ नहीं आने वाला। सात्विक घर चले, घर चले। नो नो नो, क्यों? हाँ बीच पे जाएगा वो, बीच पर भी लेके जाते हैं। ये मेरा चिंपांजी। हाय हाय, शादी हुई थी। अच्छा लगा तुम्हें लाइक? चिंपांजी रिलैक्स, रिलैक्स अभी चला गया वो। रिलैक्स रिलैक्स, आज चिंपांजी रिलैक्स नहीं होने वाले। मैं थक, मुझे लगता है ना अनिल ना मुझे वॉक करवाने यहाँ लेके आए, बस एक ही walk। हाँ एक ही चीज अच्छा लगा मुझे, चिंपांजी। क्योंकि मेरे घर में दो चिंपांजी है, इस वजह से मुझे अच्छा सा लगा था। एक आप और एक ये, आप कुछ बोलो उससे पहले मैं बोल देती हूँ। दो मेल चिंपांजी एक फीमेल चिंपांजी। यस वाओ फिश, फिश फिश, व्हाट इज दिस बेटा? मेरी क्यों, आपकी होगी, इसे खाते नहीं अनिल। आप बोलो तो मैं मरवा दूं। आप एक बार बोल के तो देखो। हाँ खुली हवा पर अंदर, बारिश में भी चैन नहीं था। पानी के अंदर ऐसा होता है मतलब टेंपरेचर क्या हो सकता है? एक जानवर दूसरे जानवर को ढूंढते हो। सही में घर में ढूंढने परेशान हो गए, यहाँ ढूंढते। सात्विक व्हाट इज दिस? कितना खतरनाक लग रहा है। ये यहाँ के छिपकली है ना? ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन छिपकली। ये पूरा एरिया जो है ना ऑस्ट्रेलिया के से रहता है। क्या कर रहा है? हाउ क्या कर रहे हो साथी? ये यहाँ से जाके जानवर ही बन जाएगा, अलग अलग से आवाजें निकालने वाले ही घर से। लास्ट के अंदर दोनों को भी ले आता है मतलब। तुम कम हो घर में इतना उधम मचा के रखते हो। ये अच्छा था, चिंपांजी का बच्चा क्लास के अंदर था, नहीं तो ले आता सही। ये क्या है, बारिश हो गई क्या या यहाँ पे यहीं पे हो रही है? आर्टिफिशियल रेन। अरे भाई मत दो यार, यहाँ आर्टिफिशियल रेन की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल रेन भी यहाँ पे करो। वाओ क्रोकोडाइल, ये नकली है? नकली नहीं है, असली है। असली है बेबी, असली तो छोड़ देता पूरा लोग। हाँ पेट भरा होगा। सादी टर्टल,
ये असिस्टेंट हमारे उसे घर नहीं जाना है, उसे आप घर नहीं ले जा सकते हो। दो एलिगेटर है इस साइड, एक यहाँ एक एलिगेटर यस एलिगेटर एलिगेटर फूल खा ले। वेजिटेरियन होगी नहीं? जो मिल रहा है सब लोग देख लो। हाँ कुछ ऐसा ही है, लग रहा है ना कलर चेंज हो रहा है ना। यहाँ के बंदर क्या हुआ, क्या हुआ स्पाइडरमैन को? घर नहीं चलना इसको, साथी घर में चलना पड़ेगा ना हमेशा, वो तुम्हें हंसाने के लिए तो इतना बैठा हुआ है। साथ ही घर चलना है, घर बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। इतना कुछ खास था नहीं कि हमें बहुत ही अच्छा लगा हो, दिल्ली से भी ज्यादा गया गुजरा था। दिल्ली का बहुत अच्छा है जबकि ये तो बहुत छोटा था। नहीं जबकि बताते हैं कि न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा जू है ना ये। कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं था, गिरगिट वगैरह छिपकली वगैरह रख रखे थे और राइनो जिराफ रखे। हाँ वही ठीक थे, लेकिन हाँ लेकिन जो एलिफेंट था वो बेचारा डिप्रेशन में था, अकेला है तो दो चार रखो भाई से भाई बहन। एक था अंजलि, उसको छोड़ दी, उसकी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गई ना तो वो भी चली गई। उसको ऑस्ट्रेलिया से शिफ्ट होना पड़ा। कभी आ गया था। कभी हम जाएंगे उधर तो हम मिलाएंगे आपको अंजलि से। अंजलि सात्विक का मन था, जो वहाँ पे एलिगेटर था उसे घर लाना था, उसे हमने जो मना कर दिया। क्या रोया, इंसल्ट का करवाई इसने हमारी बेइज्जती। सही में A4 एलिगेटर लेके चलना है। तो हम घर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ मैं, बहुत ज्यादा घर जा रहे हैं, बेसब्री से घर पहुँचने का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी पहुँचे। सही में कम से कम ना हम 9 किलोमीटर तो चल ही गए होंगे ना, 11,500 इतना चल चुके हैं। तो आज का कोटा तो पूरा हो चुका है, अब मैं जाके हाथ मुंह धो के सोने वाली हूँ। कोई चाय पिला दे तो वो और अच्छी बात है। किसी को बोलता हूँ कोई चाय पिला दे रास्ते।